Okay, students, now we will start with this question. The question is, if completed is coded as this, then direction will be coded as. ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. completed is coded as in this, then direction will be coded as. तो देखो, सबसे पहले हम क्या करके देखते हैं. सबसे पहले हमने क्या करके देखा, जैसे मान लो हमने सेम वही प्रोसीजर फॉलो किया कि we write each and every alphabet and we write its place value of each and every alphabet against its number. देखो C के लिए कितना 3. देखो रोहित, O का अल्फाबेट पे नंबर कितना आता है 15. O अल्फाबेट में कितने नंबर पे आता है 15. ठीक है, M कितने नंबर पे आता है 13. P कितने नंबर पे आता है 16. ऐसे ही L कितने पे आएगा 12. E आ जाएगा 5 पे. T 20 पे. E वापस 5 पे. और D कितने पे आ जाएगा 4 नंबर. ठीक है, अब देखो उसको कैसे चेंज किया. इन्होंने चेंज किया है M O C. E L P D E N T. रोहित अपना माइक ऑफ कर लो एक बार. तो देखो M के लिए 13, O के लिए फिर से 15, C के लिए 3rd, 5, 12, इधर 16, इधर 4, ये 5, और ये 20. देखो हम चेक कैसे करते हैं. देखो देखो 3 से अगर हम ये जो 3 प्लेस वैल्यू है, 3 प्लेस वैल्यू से हम कितने पे आ गए 13 प्लेस वैल्यू पे आ गए. तो कितने का चेंजेस हो रहा है, यानी 10 प्लेस वैल्यू का इंक्रीमेंट हो रहा है. ठीक है, 10 प्लेस वैल्यूज का इंक्रीमेंट हो रहा है. उसके बाद हम सेकंड पर आते हैं 15 से, हम कितने पे 15 पे, यानी 0 प्लेस वैल्यू का चेंजेस हो रहा है. ठीक है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा, 0 हो गया. फिर M से हम C पे आ रहे हैं, तो 13 से 3, यानी यहाँ कितना हो गया -10 का हो गया. ठीक है, उसके बाद P से E पे जा रहे हैं, तो कितना हो रहा है, ये कितने का हो गया, ये 11 का चेंजेस हो गया. कितना, -11 का चेंजेस हो गया. ठीक है, L से अगर हम इस पे आ रहे हैं, तो कितने का चेंजेस हो गया, 0 का चेंजेस हो गया. E से अगर हम P पे आ रहे हैं, तो कितने का चेंज हो गया, +11 का चेंज हो गया. ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा कहीं भी. देखो +10 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 0, फिर -10, फिर यहाँ -11 से स्टार्ट हो रहा है. मतलब सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है. ठीक है, हम कोडिंग एंड डिकोडिंग में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इट शुड बी फॉलो द प्रोसीजर. ठीक है, इट शुड बी फॉलो द प्रोसीडिंग्स, यानी कि जो भी नंबर चल रहा है, जैसे +10 से स्टार्ट हुआ, फिर 0 आया, फिर +10, फिर 0 गया, फिर ठीक है, कुछ इस तरीके से आना चाहिए था. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है. इसका मतलब हमने ये जो प्रोसीजर लगाया है, ये प्रोसीजर थोड़ा सा गलत हो गया कहीं ना कहीं, यानी इसमें ये वाला प्रोसीजर काम नहीं करता. अब देखो हम कौन सा प्रोसीजर काम करते हैं. देखो कोडिंग एंड डिकोडिंग इज नथिंग बट ए मैथमेटिकल ऑपरेशन विद रीअरेंजमेंट. ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है विद रीअरेंजमेंट के साथ में, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन. तो अब देखो हम फाइंड आउट करते हैं क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है और क्या रीअरेंजमेंट हो रहा है. देखो हमने यहाँ तक ये तो देख लिया कि मैथमेटिकल ऑपरेशन तो काम नहीं कर रहा है. लेकिन देखो आपने एक चीज देखी, इसमें जितनी भी मीनिंग्स लिखी हुई है, जितने भी इसमें अल्फाबेट्स हैं, उतने ही अल्फाबेट्स इसके अंदर है, कुछ भी अलग नहीं है. तो हो सकता है यहाँ पर केवल रीअरेंजमेंट ही हुआ. तो रीअरेंजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है. तो देखो रीअरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो रहा है, एम यहाँ पर आ गया है और सी यहाँ पर आ गया है और ओ एज इट इज है. ठीक है, नेक्स्ट में देखो ई इस जगह पर है, पी यहाँ पर है और एल जो है वो एज इट इज. अगेन डी इस जगह पर, पी ऑन दिस प्लेस एंड ई इज एट नॉर्मल प्लेस. ठीक है, तो हमें पता लग गया कि देखो कॉम्बिनेशन जो एग्जैक्टली सही चल रहा है. इसमें जो हम प्रोसीजर यूज में ले रहे हैं वो भी एकदम ठीक चल रहा है. थर्ड वन और फर्स्ट वन, जो फर्स्ट और थर्ड है, वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है,
इंटरचेंज हो रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड इंटरचेंज हो रहे हैं, इस वर्ड का भी फर्स्ट एंड थर्ड इंटरचेंज हो रहा है, इस वर्ड का भी फर्स्ट एंड थर्ड इंटरचेंज हो रहा है, मतलब ये वाला एंड ये वाला, ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा है, तो देखो हमने इनको तीन वर्ड्स में इसको तोड़ सब डिवाइड कर दिया, सब डिवाइडेड इट इन थ्री डिविजन्स, फर्स्ट वन इज डी आई आर, सेकेंड वन इज ईसीटी, थर्ड वन इज आईवा। सो फ्रॉम दिस प्रोसीजर वी कैन से दैट डी एंड आर शुड बी इंटरचेंज, ठीक है। तो डी एंड आर इंटरचेंज होंगे तो इट्स आर आई डी, इट्स आर आई डी। Then in second, E and T should be interchanged. So when E and T is interchanged, it is T, E and C. In next, I and N should be interchanged. So when we interchange N and I, it's N, O, I. So we have the answer which is R, I, D, T, C, E and O, I. And option number third is the right answer. According to this, option number third is the right answer. ठीक है? So इस वाले question के अंदर क्या हो रहा है? Only rearrangement. There is only rearrangement is happening. There is no mathematical operation is occur at any place. कोई भी mathematical operation नहीं होता. ठीक है? ये बात समझ में आई? Further move करें next question पे. Yes sir. Okay. देखो ये इसका explanation है. Same वही explanation जो हमने किया है. देखो in a certain code this question hai, in a certain code mention is written as in this word, how is pattern written in that code? So first try it by yourself. First isko try karo, tell me the answer. गौरव लखन ऑने ईश्वर प्लीज टेल द आंसर। थर्ड वन सर। ओके थर्ड वन, एनीवन एल्स सर? सेकंड। सेकंड ओके, वन इज थर्ड एंड वन इज सेकंड। सेकंड है सर। सेकंड है ओके ओके सेकंड सर। थर्ड थर्ड चेक करते हैं। So in a question it is given as in a certain code mention is written as in this, okay, mention is written as in this, how is pattern written in that code? So first we have to solve that how mention is changes into L and E ITM, okay, in this one. So from alphabet to alphabet we can see that M is changes into L, it means from M to L it goes minus one, okay. From E to N, from E to N, देखो बाद वाले जो भी वर्ड्स हैं, ठीक है, बाद वाले जो भी अल्फाबेट्स हैं वो यहाँ पर सेम आ रहे हैं, बाद वाले अल्फाबेट सारे सेम आ रहे हैं, ठीक है, E N T I O N, इसमें भी E N T I O N, इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल रीअरेंजमेंट हो रहा है, वन मैथमेटिकल ऑपरेशन,
along with rearrangement. So we have to rearrange 2-2 in group of 2-2. Rearrange E and M, interchange T and I, interchange O and N. So we get N E, I T, and N O. So like this, we change pattern. Okay, so first alphabet is decreases up to minus 1. So from P it goes to O. ठीक है, P से ही O पे चला जाएगा. P का नंबर कितना 16. पहला वाला जो अल्फाबेट था वो हमारा कितना जा रहा था माइनस में, या माइनस में चला गया. ठीक है, तो कितना आ जाएगा O 15. उसके बाद जो बाकी हमारे पास में अल्फाबेट्स रह गए उनको ग्रुप ग्रुप के अंदर क्या करना है, इंटरचेंज करना. ए एंड टी को इंटरचेंज किया तो क्या बच जाएगा, टी ए. इफ यू इंटरचेंज टी ई देन इट इज ई टी. इफ यू इंटरचेंज आर एम देन इट इज एम आर. सो व्हाट इज द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. बात समझ में आई, ऑप्शन नंबर 3 का गलत हुआ, देखो टी की जगह यहाँ पर केवल एस आ रहा है, एस की वजह से गलत हुई. ठीक है, क्लियर है? यस सर. ठीक है, नेक्स्ट फर्दर मूव करें. ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ जोसेफ इज कोडेड एज इन दिस वर्ड देन जॉर्ज विल बी कोडेड एज. Okay, so first try it by yourself, then give me the answer, and we will see which answer is correct or not. What is the answer? The first. First option, okay. Let me check. First. First option, okay. Sir, first. Okay, very good. देखो फ्रॉम 10 इट गोज टू 6, इट मीन्स देर इज ए 4 प्लेसेस डिक्रीमेंट हियर. ओके, फ्रॉम 15 इट गोज टू 11, फ्रॉम 15 इट गोज टू 11, इट मीन्स देर इज अगेन ए डिक्रीमेंट ऑफ माइनस 4, डिक्रीमेंट इन प्लेस वैल्यू. फ्रॉम एस टू ओ इज अगेन माइनस 4, फ्रॉम ई टू ए इट्स अगेन माइनस 4, and there is also minus 4 and up to so on minus 4. So what is the rearrangement we get? We get the rearrangement that each and every alphabet is decreased with a place value, decreased in its place value with the number 4. Yani har ek alphabet apne place value se 4 position pehle chala ja raha hai. Theek hai, to ab dekho George ko kis tarike se karenge. To dekho George se 4 position pehle ki baat kar rahe hain. Theek hai, minus 4. इन सबसे माइनस 4 चल रहा है. ओके, माइनस 4, सभी से माइनस 4. तो देखो
जी का नंबर कितना होता है? सेवन से माइनस फोर कितना हो गया? थ्री. थ्री के लिए नंबर कितना हो गया? सी. फ्रॉम ई टू माइनस फोर यानी कि नंबर कितना हो गया? ए. फ्रॉम ओ टू माइनस फोर, ओ फिफ्टीन माइनस फोर इलेवन के. फ्रॉम आर से कितना आ जाएगा? माइनस फोर एन. फ्रॉम जी वापस अभी हमने किया था, जी के लिए कितना था? सी. एंड फ्रॉम ई वापस कितना आ था? ए. सो व्हाट इज द ऑप्शन? सी ए के एन सी ए विच इज ऑप्शन नंबर वन. सो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. राहुल, राहुल नाम है, क्या नाम है आपका जो अभी न्यू न्यू स्टूडेंट है? सर रोहित. रोहित, हाँ रोहित, समझ में आ रहा है? यस सर. ठीक है. हम क्या करते हैं, ऐसे ही पर्टिकुलर एक जो भी अल्फाबेट है, पर्टिकुलर अल्फाबेट के अगेंस्ट उसके प्लेस वैल्यूज को लिख देते हैं. ठीक है, पर्टिकुलर अल्फाबेट के अगेंस्ट उसकी प्लेस वैल्यू को लिख देते हैं और फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन फाइंड आउट करते हैं. देखो, ऐसा कहीं भी जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट से फर्स्ट वाले को चेक करना है. मे बी ऐसा हो सकता है कि ये कभी तिरछा जा रहा हो, ठीक है, मतलब ये डायगोनल बेसिस पे जा रहा हो, तो वो भी आपको चेक करना पड़ता है. देखो, एन नंबर ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर, लेकिन हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइप्स को फाइंड आउट कर लेना है कि इतने सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ताकि इफ वी सी ए क्वेश्चन, ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस हमें पता लग जाए कि अच्छा, हम जो है अगर मान लो मैथमेटिकल ऑपरेशन से नहीं जा पा रहे हैं, तो मे बी हो सकता है कोई रीअरेंजमेंट डायरेक्टली हो रहा हो. रीअरेंजमेंट में भी नहीं समझ में आ रहा, तो हो सकता है मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस कोई रीअरेंजमेंट साथ में हो रहा हो, तो बात समझ रहे हो. तो इससे हमें क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जैसे हम करते जाएंगे तो हमें धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा. उसके बाद एक बार अगर हमें रीअरेंजमेंट पता लग जाता है, ठीक है, व्हेनेवर वी फाउंड द रीअरेंजमेंट, जस्ट अप्लाई दिस रीअरेंजमेंट इन द गिवन क्वेश्चन एंड यू विल गॉट योर आंसर लाइक दिस. ठीक है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, try it by yourself and tell me the answer. Don't be so lazy यार, so lethargic है ना, अभी इतना lazy मत हो. ऐसे थोड़ा सा ऐसे रखा करो कि हाँ मतलब जल्दी से आंसर देना है. ओके, नो प्रॉब्लम. अगर आंसर गलत होता है नो प्रॉब्लम, हम वापस से समझ लेंगे कि क्यों गलत हो गया. बट थोड़ा सा ऐसे रखा करो अपने अंदर एक हेल्दी कंपटीशन वाला लेवल की मुझे आंसर देना है जल्दी से. ये तो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है. आप जैसे थर्ड सेम में या फोर्थ सेम में जाओगे तो इसका एडवांस वर्जन आपको मिलेगा. सर आंसर नंबर फर्स्ट. आंसर नंबर फर्स्ट, फर्स्ट वन. ओके, ओके, चेक कर लेते हैं फर्स्ट वाले को. ओके, दो के आंसर है बाकी. मॉर्निंग गौरव, ईश्वर, लखन, देखो, इफ फ्रेंड इज कोडेड एज दिस, सो हम चेक करेंगे पर्टिकुलर अल्फाबेट टू अल्फाबेट. ठीक है, अल्फाबेट टू अल्फाबेट, जैसे एफ से अगर हम जा रहे हैं एच पे, तो कितना हो गया? प्लस टू. ठीक है, उसके बाद अगर हम आर से जा रहे हैं यू पे, तो कितना हो जाएगा? प्लस टू या प्लस थ्री? प्लस थ्री. अगर हम आई से जाते हैं एम पर, तो कितना हो गया? प्लस फोर. ऐसे हम ई से जाते हैं जे पर, तो प्लस फाइव. उसके बाद एन से अगर हम जाते हैं टी तक, तो प्लस सिक्स. एंड फ्रॉम डी टू के इट्स प्लस इलेवन. ठीक है, यानी हमारे पास रीअरेंजमेंट क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हमारे पास में चल रहा है फ्रॉम टू टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन. सेवन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. तो यहाँ देखो टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन. ठीक है, तो सी प्लस टू इट्स ई, प्लस थ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी. उसके बाद में एन के साथ में फोर करेंगे तो आर,
डी के साथ में फाइव करेंगे तो आई, उसके बाद में एल के साथ में सिक्स कितना जाएगा एटीन, एटीन के लिए फिर से आर, और फाइव और सेवन इलेवन ट्वेल्व सॉरी तो क्या हो जाएगा ई डी आर आई आर एल, तो ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर. ओके ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ कूल इज कोडेड एज डी क्यू आर पी देन राइट द कोड फॉर हॉट. जल्दी से आंसर आना चाहिए. सर सेकंड सेकंड. ओके सर सेकंड. वेरी गुड सेकंड सर. वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है देखो हमारे पास में कूल को हमने लिख लिया, इसके अगेंस्ट प्लेस वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए. ठीक है यहाँ इसके अगेंस्ट कुछ प्लेस वैल्यूज है, यहाँ डी क्यू आर पी के अगेंस्ट कुछ प्लेस वैल्यूज है. प्लेस वैल्यूज में इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है, वन टू थ्री एंड फोर. तो यहाँ पर एच प्लस वन इट्स आई, ओ प्लस टू इट्स क्यू, टी प्लस थ्री इट्स डब्ल्यू. तो आई क्यू डब्ल्यू इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके ठीक है चलो नेक्स्ट चलते हैं. ओके इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करो फटाफट. सर फोर्थ. फोर्थ ऑप्शन. ओके सभी का फोर्थ आ रहा है सर. बी बी ऑप्शन. ओके देखो रीअरेंजमेंट हमारे पास क्या चल रहा है, माइनस वन का रीअरेंजमेंट हमारे पास में माइनस वन का चल रहा है. ठीक है यानी हर एक पर्टिकुलर अल्फाबेट डिक्रीज हो रहा है माइनस वन. ठीक है एक प्लेस वैल्यू का डिक्रीमेंट आ रहा है. तो देखो एफ का एक प्लेस वैल्यू डिक्रीमेंट कितना हो गया ई, आर के लिए एक प्लेस वैल्यू डिक्रीमेंट कितना हो गया क्यू, ई के लिए एक प्लेस वैल्यू डिक्रीमेंट कितना हो गया डी, वापस से ई आ गया तो डी, जेड के लिए एक प्लेस वैल्यू डिक्रीज हो गया कितना हो जाएगा वाई, और ई के लिए एक प्लेस वैल्यू डिक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा डी. तो आंसर विल बी ई क्यू डी डी वाई डी. सो ई क्यू डी डी वाई डी इज इन ऑप्शन नंबर टू. ऑप्शन नंबर फोर इज रॉन्ग. ऑप्शन नंबर फोर गलत क्यों आया समझ में आया, ये यहाँ पर Z आ रहा है बीच में, Z नहीं आएगा इसकी जगह क्या आएगा Y. ओके ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो इस टाइप वाले क्वेश्चन को बोलते हैं टाइप थ्री क्वेश्चन. टाइप वाले क्वेश्चन को बोलते हैं टाइप थ्री क्वेश्चन. टाइप वन क्या हो गया था मैथमेटिकल ऑपरेशन, टाइप टू क्या हो गया था ये सिंपल रीअरेंजमेंट वाला, जो कॉम्प्लिकेटेड वाला हमने किया था, कॉम्प्लिकेटेड वाला जो हमने किया था वो टाइप टू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है उसके बाद देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना होता है. देखो इसमें क्या होता है कि हमें पर्टिकुलर अल्फाबेट के लिए पहले से ही प्लेस वैल्यूज असाइन होती है. ठीक है पर्टिकुलर अल्फाबेट के लिए पहले से ही प्लेस वैल्यू हमें असाइन होती है. ये जो प्लेस वैल्यूज होती है ये दो टाइप से हमें असाइन हो सकती है. एक तो जो इसकी प्लेस वैल्यू का नंबर है वो का वो ही आ जाए, दूसरा जो वो है दूसरा जो है वो है रैंडम नंबर्स आ जाए. ठीक है या तो ये जो नंबर्स दिए हुए होते हैं ये प्लेस वैल्यू ही बन के आ जाए या फिर ये जो नंबर है वो रैंडम नंबर बन के आ सकते हैं. ठीक है जैसे हमें क्या होता है पता है कि ई के लिए प्लेस वैल्यू क्या होती है पाँच होती है, तो हो सकता है क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली वो वैल्यू फाइव ही गिवन. कभी ये वैल्यू फाइव नहीं दे करके क्या करता है, अगर आपको इस तरीके से वैल्यू दी हुई होती है तो वहां पर वो रैंडम नंबर भी दे सकता है. जैसे ई के लिए पर्टिकुलर वैल्यू हो गई टू, उसने खुद से वैल्यू दे दिया आपको टू, तो हमें यहाँ पर ई के लिए इस टू वैल्यू को ही कंसिडर करके लेके चलना होगा. अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है और उसके अंदर किसी पर्टिकुलर के लिए कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी भी होती है तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को ही हमें 100% ट्रू मान के चलना होगा.
अदरवाइज हमको पता है कि पर्टिकुलर अल्फाबेट के लिए पर्टिकुलर प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखो, हर एक अल्फाबेट के लिए इन्होंने कुछ ना कोई वैल्यू दी थी, हर एक अल्फाबेट के लिए एक वैल्यू इन लोगों ने असाइन की थी। अब वो वैल्यू हमें चेक करनी है कि वो पर्टिकुलर सॉरी प्लेस वैल्यू है या फिर वो रैंडम नंबर में दी। तो देखो ई का नंबर कितना होता है, पाँच, ठीक है। ई का नंबर कितना होता है, पाँच, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फाइव दिया हुआ है, यहाँ पर फाइव है, ई की वैल्यू हो गई फाइव, ओके। फिर डी की वैल्यू कितनी होती है, फोर, तो फोर भी दिया हुआ है। देखो यू के लिए प्लेस वैल्यू कितना होता है, ट्वेंटी वन, यू के लिए प्लेस वैल्यू कितना होता है, ट्वेंटी वन, तो देखो हमें यहाँ पर ट्वेंटी वन भी दिया हुआ है। सी के लिए प्लेस वैल्यू क्या होती है, थ्री हमें दी हुई है। ए के लिए प्लेस वैल्यू वन हमें दी हुई है। टी के लिए प्लेस वैल्यू क्या होती है, ट्वेंटी। आई के लिए प्लेस वैल्यू नाइन, ओ के लिए प्लेस वैल्यू 15, एन के लिए प्लेस वैल्यू 14। यानी हमें एडिशनली कुछ नहीं दिया है, केवल उसने पर्टिकुलर अल्फाबेट की पर्टिकुलर प्लेस वैल्यूज हमें दे दी, या उसने रैंडम नंबर का यूज नहीं करा, पर्टिकुलर प्लेस वैल्यू हमें दे दी। तो हम कैट के लिए क्या लिखेंगे बताओ फटाफट सर, थर्ड, थर्ड ऑप्शन। देखो कैट का नंबर हो गया थ्री, ए का नंबर हो गया वन, एंड ट्वेंटी का नंबर हो गया टू, जीरो, ठीक है। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक जो हमने किया वो क्लियर है? यस सर, यस सर, ठीक है। देखो एक नेक्स्ट में आपको बन जाएगा, ये आपका दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन फटाफट होमवर्क ले लो। एक ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसका पिक ले लो फटाफट, हो गया। और एक ये वाला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन है, एक ये वाला और एक इससे पिछला वाला। जो हमारी लास्ट क्लास होगी उसके अंदर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग वाला, ठीक है। ओके सर, ठीक है। तो प्रिपेयर करना आराम से, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है,